छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को नमन कर गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की राशि का भुगतान किया और उसका शुभारंभ किया। 46,964 पशुपालकों को 1.65 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से छत्तीसगढ़ के नेता भी हुए राम में, खुशी में झूमे विकास उपाध्याय, तो वहीं एनएसयूआई ने जलाए 5,001 दिए, भाजपाइयों ने किया रामायण और सुंदरकांड का पाठ। इस बार कोरोना के साए में मनेगा आजादी का पर्व, राजधानी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस परेड ग्राउंड में 15 अगस्त को करेंगे ध्वजारोहण। राज्य और जिला स्तर पर सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे कार्यक्रम, डॉक्टर्स, पुलिस, स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में महिला नक्सली हुई ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार भी किए गए बरामद, डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में 10,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 7,871 मरीज अब तक हुए ठीक, 2,555 एक्टिव केस, वहीं 71 मरीजों की हो चुकी है मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बुधवार रात हाथियों के कुचलने से महिला की हुई मौत, महिला का 5 साल का बेटा भी हुआ घायल, कटघोरा वनमंडल में एकमा नगर के सलीहा भाटा की घटना। भिलाई में बुधवार को तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे के बाद वाहन चालक हुआ फरार, भिलाई 3 क्षेत्र के डबरा पारा पुल पर हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, भारी बारिश से कई जिले प्रभावित। धमतरी के सिहावा क्षेत्र में बुधवार को पुल पार करते समय तेज बहाव में एक सीएएफ का जवान बह गया, ग्रामीणों ने जवान की बचाई जान। बलौदाबाजार के ग्रामीण क्षेत्र में तेज बारिश के चलते कसडोल मार्ग पर बना नाला उफान पर, तेज बहाव में 20 से ज्यादा गाय बह गए, कसडोल पिथौरा मुख्य मार्ग किया गया बंद। लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, ये असमंजस छत्तीसगढ़ सरकार ने कल ही साफ कर दिया था। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये साफ कर दिया कि लॉकडाउन बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता उस जिले के कलेक्टर पर निर्भर करेगी। राज्य के सभी जिलों में लॉकडाउन हट जाएगा, लेकिन रायपुर में लॉकडाउन हटने के साथ साथ कुछ पाबंदियां भी सख्ती के साथ लागू की गई हैं, जिसमें रात का कर्फ्यू शामिल किया गया है। रविवार को सभी व्यवसाय को बंद करते हुए एक दिन का साप्ताहिक लॉकडाउन रखा गया है।